दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, या फिर अभी आपका रिसेंटली YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ है, या फिर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके मन में एक डाउट होगा कि जब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, हमारे वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तो ऐसे में 1000 views पर यूट्यूब कितना पे करता है। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में विद प्रूफ आपको बताने वाला हूं कि YouTube प्रेजेंट टाइम में 1000 views का अप्रोक्स कितना पे करता है। शो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना स्किप बिल्कुल भी मत करना। पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक जो यूट्यूबर होता है उसकी सबसे कम अर्निंग होती है तो वो गूगल एडसेंस से ही होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि जो मैं आपको अर्निंग प्रूफ दिखाने वाला हूं उससे आप ये सोचें कि यूट्यूबर बहुत कम अर्निंग होती है या फिर एक यूट्यूबर ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस से एक यूट्यूबर अर्निंग नहीं करता है। यूट्यूब से पैसे कमाने के मल्टीपल रास्ते होते हैं, जैसे कि स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, अर्निंग ऐप का रेफरल एंड पेड प्रमोशन वगैरह, बहुत से तरीके होते हैं जिससे एक यूट्यूबर अर्निंग करता है। और एक चीज मैंने आपको बताई दी कि जो गूगल एडसेंस से अर्निंग होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, जितनी गूगल एडसेंस से एक महीने में होती है, हो सकता है एक यूट्यूबर की 1 या 2 दिन में स्पॉन्सरशिप से उतनी अर्निंग हो जाए। तो समझ सकते हैं गूगल एडसेंस के मुकाबले स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, इनमें बहुत ज्यादा अर्निंग एक यूट्यूबर की होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी गूगल एडसेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फिलहाल यूट्यूब 1000 views पर कितना पे करता है। सो जो भी मैं दिखाता हूं डीमोटिवेट होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक यूट्यूबर एक तरीके से पैसा नहीं कमाता है, बहुत तरीके से कमाता है। तो उसके लिए मैं आपको फोन की स्क्रीन पर ले जाकर सब कुछ दिखाने वाला हूं, तो चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। सो गाइस यहां पर एक मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू रिमूव जीमेल डीपी फ्रॉम जीमेल अकाउंट, इस पे की 128,675 टोटल व्यूज आए हैं इसकी। मैं आपको अर्निंग दिखाता हूं कि 1000 views पर मेरे को कितना पैसा मिला, क्योंकि ये जो जीमेल डीपी है ना, ये कीवर्ड ही कुछ ऐसा है, इस पे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बनता है। ठीक है, ऐड कमाते हैं। उसके बाद मैं गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ और ओवरव्यू वाले में ही आप व्यूज देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में कितने आए हैं, 18,540। ठीक है, और नीचे थोड़ा आते हैं और एस्टिमेटेड रेवेन्यू मेरे का कितना बना, $6.09 लास्ट 28 डेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1000 views का आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके। तो व्यूज पे मैं 18,514 यहाँ पर मैं लिखता हूँ 18,514। ठीक है, अब इसको हमको डिवाइड करना है अपने रेवेन्यू से, जिससे हमें पता चलेगा 1000 views पर हमें कितना पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू है ये 6.09, इसको मैं लिखता हूँ 6.09। तो आप देख सकते हैं लगभग 3000 views पर हमको $1 मिल रहा है। यहाँ पे कितने व्यूज पर मिला, 3000 views का। ठीक है, अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, जैसे कि ये कॉपीराइट ऑन फेसबुक पेज। इस वीडियो पर डेफिनेटली मेरे को 3000 views पर $1 नहीं मिला होगा, कम व्यूज पर ज़्यादा मिला होगा, क्योंकि जो कॉपीराइट वर्ड है, फेसबुक वर्ड है, फेसबुक पेज वर्ड है, इन पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलाए जाते हैं, इसलिए हमें थोड़े कम व्यूज पर ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया, गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं लास्ट व्यूज देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में कितने आए, लगभग 3909। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है 3909। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे अपने एस्टिमेटेड रेवेन्यू, और रेवेन्यू आप देख सकते हैं कितना है, $2.48। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2.48, और आप देख सकते हैं लगभग 1500 व्यूज पर हमको $1 इस वीडियो पे मिल गया। तो देखा आपने, इस पे ज़्यादा हुई, कम ज़्यादा होती रहती है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैंने वीडियो बनाया था ये देखा, हाउ टू डाउनलोड कॉपीराइट फ्री म्यूजिक फॉर मेडिटेशन वीडियोस। इस वीडियो का मैं आपको रेवेन्यू दिखाता हूँ, इस पे भी रेवेन्यू कम व्यूज पर ज़्यादा डॉलर बने होंगे, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इस पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो व्यूज़ देख सकते हैं कितने हैं लास्ट 28 डेज में, 1925। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1925, इसको हम डिवाइड करेंगे रेवेन्यू से, और लास्ट 28 डेज का रेवेन्यू है $1.64। तो 1.64, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1100 व्यूज पर ही हमारा $1 इस वीडियो पर बन रहा है। तो ऐसे बहुत सी मेरे चैनल पर वीडियो जिस पे 500 व्यूज़ पर भी $1 बनना है, वो क्या था कि जो वीडियोज 8 मिनट से ज़्यादा की होती हैं उस पर हम मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं, तो उन वीडियो पर क्या होता है कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हम लगा सकते हैं एंड हमारी अर्निंग 500 व्यूज पे भी काफ़ी बार $1 बन जाता है। ठीक है, बाकी तरीके तो बहुत सारे कमाने के हैं यूट्यूब से।
सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चला होगा कि 8% यूट्यूब 1000 व्यूज पर कितना पे करता है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो अर्निंग होती है बेरी होती रहती है पूरी साल। साथ में ये चीज कीवर्ड्स पे बहुत डिपेंड करती है, आप किस कीवर्ड पर वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आपने बताया आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो उस पर बहुत कम अर्निंग होगी। यहीं पर आपने कोई वीडियो बनाया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, तो इन कीवर्ड्स पर जो सीपीसी होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इन कीवर्ड्स पर अर्निंग बहुत ज्यादा होती है, तो मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं अर्निंग पर। बाकी आपको बता ही दिया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ यही अर्निंग नहीं होती है, और भी मल्टीपल तरीके होते हैं पैसे कमाने के यूट्यूब से। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलरली ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।